ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत। दोस्तों हम आपको हर दिन कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक उपाय हम आपके लिए आज लेके आए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अपने घर में लगाने वाले ये चार पौधे, जिन्हें यदि आपने अपने घर में लगा लिया तो विश्वास मानिए यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी या कमज़ोर थी तो वह बेहतर होती जाएगी, दिन ब दिन सुधरती जाएगी और कुछ ही समय बाद आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। यह वह चार पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने के बाद माँ लक्ष्मी घर में आके सदैव के लिए वास करती हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपसे वीडियो में आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिनको भी ज़रूरत है वह भी इन उपाय का भरपूर लाभ उठा सके। दोस्तों अब हम अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। दोस्तों कहने को तो पेड़ पौधे गति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाना बेहद शुभ होता है और जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही ये चार पौधे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहला पौधा है शमी का पौधा। वास्तु के अनुसार शमी के पौधे को बहुत शुभ माना गया है। शमी का पौधा भगवान शिव को भी अति प्रिय होता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने से दरिद्रता दूर होती है और यदि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो शमी के पेड़ को एक बार स्पर्श करके जाए, इससे दुर्घटना से भी आप बचे रहेंगे। सोमवार के दिन शिव जी को शमी के पुष्प चराने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा पौधा है मोहिनी का पौधा है, जिसे अंग्रेजी में कैसुला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसुला का पौधा घर में पूर्व या उत्तर दिशा में रखना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा इसे आप घर के मुख्य दरवाजे पे भी लगा सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रेसुला का पौधा धन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है दोस्तों स्नेक प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के स्टडी रूम में या लिविंग रूम में रखने से तरक्की के सारे द्वार खुल जाते हैं। एक बार आप भी इसे जरूर रखिएगा और इसे साज सजावट के तौर पे भी रखा जाता है। ये बहुत ही शुभ और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने वाला पौधा है। चौथा पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और यह दिखने में बेहद खूबसूरत भी होता है क्योंकि इसकी एक बेल होती है बड़ी सी, साथ ही ये आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करता है। मनी प्लांट को अग्नेय कोण में लगाना शुभ माना गया है। माना जाता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से सारे प्रकार के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और घर में पैसों की कमी नहीं रहती। दोस्तों आप भी इन सब पौधों को अपने घर में या इनमें से किसी भी एक पौधे को घर में लगा के देखें, आपको इसका लाभ जरूर दिखेगा। लेकिन याद रखिएगा इन पौधों को लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आप अपने कर्म पूरी निष्ठा के साथ करते रहें क्योंकि कर्म ही प्रधान है। दोस्तों भगवान माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकते किस्मत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।